हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेक्सोरिन सिरप की। फ्रेंड्स, ये सिरप डॉक्टर द्वारा कब कब प्रिस्क्राइब किया जाता है, हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डेक्सोरिन सिरप एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होता है जो कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए दिया जाता है। जब हमारी बॉडी जो आवश्यक पोषक तत्व है उसको खाने से लेना यानी एब्जॉर्ब करना बंद कर देती है, तो उस वजह से इसकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। विटामिन और मिनरल्स बहुत जरूरी होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और सभी तरह की बीमारियों से बचाने के लिए। अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाए या न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी अगर हो जाए तो इस वजह से आपको कई हेल्थ प्रॉब्लम सामने आएंगी, जैसे बालों का कमजोर होना, इम्यून सिस्टम का कमजोर हो जाना, स्किन में प्रॉब्लम आना, डाइजेशन प्रॉब्लम होना। इसके बाद जो आपकी हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, उसकी ग्रोथ डिफेक्टिव हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल डिसीज होना है। तो ये सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। डेक्सोरिन सिरप को एनीमिया की स्थिति में डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है। एनीमिया वो कंडीशन होती है जब आपके ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है या फोलिक एसिड या विटामिन बी12 की कमी हो जाती है। तो इस कंडीशन में आपके ब्लड को बढ़ाने के लिए और ब्लड में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए ये सिरप दिया जाता है। अगला इसका उपयोग है कि जब आपको भूख नहीं लगती या कम लग रही है तो उस कंडीशन में भी भूख बढ़ाने के लिए ये बहुत उपयोगी सिरप है, जो कि आपके कई तरह की सामान्य कमजोरी की रोकथाम करता है, कमजोरी में दिया जा सकता है। चक्कर अगर आ रहे हैं, आपको थकान लगती है, तो इन सभी कंडीशन में ये आपके लिए लाभदायक है। इसके अलावा अगर आपकी सर्जरी हुई है तो उसके बाद लिया जा सकता है। इस कंडीशन में आपका काफ़ी ब्लड लॉस होता है। इसके अलावा अगर पीरियड में महिलाएं हैं उस दौरान उनका काफ़ी ब्लड लॉस होता है, तो इन सभी कंडीशन में इस सिरप को लिया जा सकता है। इसके अलावा जो गर्भवती महिला हैं या जो स्तनपान करा रही हैं उनके ब्लड में आयरन, फोलिक एसिड या विटामिन की के जो स्तर है उसके उसको बनाए रखने के लिए इस सिरप को दिया जाता है। ये जो सिरप है कुपोषण से भी बचाता है, तो इसलिए ये जो सिरप है इसके बहुत ही फायदे हैं। बात करेंगे सिरप के डोज की, तो जो सिरप का डोज है तो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। उनकी बॉडी में फोलिक एसिड की, आयरन की कितनी कमी है, तो इस तरह से इसका डोज डिसाइड किया जाता है। फिर भी अगर कॉमन डोज की बात करें तो इसका एक चम्मच सिरप 1 से 1.5 महीना लिया जा सकता है, और जब आपके ब्लड में इसकी पूर्ति हो जाए तो इसे आपको लेना बंद करना होता है। बच्चों की बात करें तो बच्चों के लिए 6 साल से कम उम्र के बच्चों को ये सिरप नहीं दिया जाता है। 6 साल से बड़े बच्चों के लिए आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ये सिरप लेना चाहिए। सिरप के अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इसमें पेशेंट को पेट दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया, उल्टी आना, ये सारे साइड इफेक्ट आ सकते हैं। इसके बाद इसमें उनकी स्टूल का कलर चेंज हो जाना, यूरिन का कलर चेंज हो जाना, ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बात करेंगे इसके कुछ की इंग्रेडिएंट की, तो इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेन इंग्रेडिएंट, जैसे आयरन है जो कि 160 मिलीग्राम में होता है, विटामिन बी12 यानी साइनोकोबाल्मिन 7.5 माइक्रोग्राम में अवेलेबल होता है, विटामिन बी9 यानी फोलिक एसिड जो कि 0.5 mg में है, और इसमें कुछ मात्रा में अल्कोहल भी मिलाया जाता है यानी 0.87 ml हल्की सी मात्रा में अल्कोहल भी अवेलेबल है। इंग्रेडिएंट के कुछ बेनिफिट्स की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, ये जो सिरप है कई दवाइयों के कॉम्बिनेशन से बना है, जो अभी हमने इंग्रेडिएंट्स देखे, साइनोकोबाल्मिन, फेरिक अमोनियम सिट्रेट और फोलिक एसिड। साइनोकोबाल्मिन का काम है कि ये हमारे ब्रेन के प्रॉपर फंक्शन को चलाने के लिए और जो नर्व होती हैं उनको चलाने के लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, जिससे कि रेड ब्लड सेल का भी ये निर्माण करता है। अगला जो है फेरिक अमोनियम सिट्रेट, इसका काम है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है और रेड ब्लड सेल का भी निर्माण करता है। अगला है फोलिक एसिड, जो फोलिक एसिड है वो हमारी बायोसिंथेसिस और जो अन्य जो प्रक्रियाएं हैं हमारी बॉडी में
उनके लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। डेक्सोरेन सिरप जो होता है इस तरह न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए उपयोगी है। बात करेंगे एक्सपर्ट की एडवाइस की, तो अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी या लीवर प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप ये सिरप लें। अगर इसके किसी कंपोनेंट से एलर्जी है तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। ये जो सिरप है जितना डोज दिया गया है उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट आपको दिख सकते हैं। इस सिरप के साथ में चाय या कॉफ़ी बिल्कुल अवॉइड करना है क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन में इंटरफियर करते हैं। इसके बाद कुछ जो विटामिन सी रिच फूड है, यानी कि जो खट्टे फल हैं, उन्हें आपको लिया जाना चाहिए ताकि आयरन जल्दी एब्जॉर्ब हो। जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज का जूस है, लेमन है, लेमन का पानी आप पी सकते हैं, यानी लेमन वाटर। तो अपनी डाइट में अगर आप ये शामिल करते हैं तो आयरन जल्दी एब्जॉर्ब होगा। दोस्तों बात करेंगे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की, यानी इस दवाई को कब कब नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपको इसके किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आप ये दवाई ना लें। इसके अलावा वे बीमारियाँ जिसमें आपको अपने डॉक्टर की सलाह लिए बगैर बिल्कुल भी नहीं लेना है, जैसे ब्लड डिसऑर्डर है, स्टमक का अल्सर है, फोलेट डिपेंडेंट अगर ट्यूमर है आपको किसी तरह का, आयरन ओवरलोड सिंड्रोम है यानी आयरन ज़्यादा है आपकी बॉडी में, इसके बाद स्टमक ब्लीडिंग है या इंटेस्टाइनल का डिसऑर्डर है कोई, तो अपने डॉक्टर से बात करें। डायबिटीज के आप पेशेंट है, हार्ट किडनी लीवर प्रॉब्लम है, तो इन सभी कंडीशन में आपको ये दवाई नहीं लेनी है और अपने डॉक्टर को दवाई लेने से पहले जरूर बताना है। प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो इस दवाई को लेने से पहले अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी ओवर द काउंटर प्रोडक्ट है, अदर मेडिसिन है या हर्बल प्रोडक्ट है तो इस बारे में भी अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। इस सिरप के कुछ ड्रग इंट्रैक्शन हैं, अगर आपकी कुछ ये दवाइयाँ चल रही हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर बात कीजिए। जैसे एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन है, एंटी कैंसर दवाइयाँ हैं जैसे मीथोट्रेक्सेट, एंटी पैरासाइटिक दवाइयाँ हैं जैसे पायरीमिथामाइन है, एंटी कन्वलसेंट दवाइयाँ हैं जैसे फिनोबारबिटल, फेनिडोइन, थाइमिडोन। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ये किसी और के भी काम आ सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।